पंजाब में रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। उनका कहना था कि इमरजेंसी सर्विस के लिए पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस भी इसकी भी सर्विस जल्द ही शुरू की जाएगी, जबकि पंजाब जनूबी एशिया का पहला सूबा होगा जहां रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस की सर्विस का आगाज होने जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जिशान नवाज। पंजाब में रेस्क्यू सर्विसेज की बेहतरी के लिए रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई। ऐप न सिर्फ गैर जरूरी कॉल्स को खत्म करेगी बल्कि पंजाब में इमरजेंसी सर्विसेज के मियार को भी बेहतर बनाएगी। ऐप के जरिए इमरजेंसी सर्विसेज फ्राहम करने के लिए जाए हादसा की दुरुस्त मकाम तक रसाई हासिल होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा की रेस्क्यू ऐप से इमरजेंसी को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। रेस्क्यू सर्विसेज की तौसी को मद्देनजर रखते हुए ये मोबाइल ऐप एक गेम चेंजर साबित होगी। वजीर आला ने इमरजेंसी रिस्पांस और डाटा की डिजिटलाइजेशन के इकदाम पर डीजी रेस्क्यू पंजाब और आईटी टीम की कोशिशों को सराहा। डीजी रेस्क्यू सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर ने कहा कि पंजाब में रेस्क्यू सर्विस को मजबूत बनाने के लिए तावन करने पर वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने बड़े शहरों में 8.5 लाख से जायद इमरजेंसी में 4 मिनट के ऑफ टाइम के साथ शहरियों को उनकी दहलीज पर खिदमत फराहम की है। मोहम्मद जिशान नवाज, जी टीवी न्यूज, लाहौर।